तो अगर आप भी सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हो और जानना चाहते हो कैसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में वीजा अप्लाई किया जाए और घर बैठे बैठे वो भी, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, 10-11 मिनट की वीडियो है, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ सिंगापुर एंड थाईलैंड 12 दिनों के लिए, तो उसकी भी पूरी वीडियो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी। यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और आज है 2 दिसंबर 2019, और काफ़ी लोग जो है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है, क्योंकि मेरी इजिप्ट की सीरीज़ और पाकिस्तान की सीरीज़ बहुत ज़्यादा सही निकली है, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स चैनल पे पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच यार उसके लिए, अब तो 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो थैंक यू यार सो मच। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है, तो भैया नेक्स्ट ट्रिप है अपनी थाईलैंड और सिंगापुर की, जो कि होने वाली है 12 दिनों की। स्टार्ट हो जाएगी ये 18 दिसंबर से और ख़त्म हो जाएगी 30 दिसंबर को, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे वीज़ा अप्लाई करना है। थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल फ्री चल रहा है, तो मुझे सीधा वहां जाकर वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन अभी जो मुझे अप्लाई करना है वो है सिंगापुर का वीज़ा। और यार जो सिंगापुर का वीज़ा है ना, वो डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू नहीं मिलता है, किसी एजेंट के थ्रू लेना पड़ता है, जैसे कि मैं अपने केस में लेने वाला हूँ मेक माई ट्रिप की तरफ से। तो वीज़ा की जो टोटल कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से 30 सिंगापुर डॉलर्स है, जो एम्बेसी चार्ज करती है, उसके अलावा जो थोड़े बहुत ऊपर जो मेक माई ट्रिप वाले जैसे एजेंट चार्ज करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2000 या 2100 के आसपास का पड़ेगा, अभी पता नहीं क्या रेट चल रहा है सिंगापुर डॉलर का। तो सबसे पहला स्टेप है मुझे ऑनलाइन, मतलब कि मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे अपना सिंगापुर वीज़ा जो है वो बुक करना है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या स्टेप्स रहते हैं। और हाँ, फ्लाइट्स के बारे में बता दूँ, फ्लाइट्स जो मेरी होने वाली है वो होने वाली है 18 दिसंबर को दिल्ली से बैंकॉक, फिर उसके बाद होने वाली है बैंकॉक से कराबी, फिर उसके बाद है मेरी फुकेत से सिंगापुर की, और फिर है सिंगापुर से बैक टू दिल्ली। तो ये मेरी टोटल 4 फ्लाइट्स होने वाली है, और ये मैंने टोटल बुक करी है 24,208 रुपये की, देख सकते हो आप यहाँ पर टोटल पेड में। तो अगर आप खाली थाईलैंड का प्लान बना रहे हो तो आराम से आपको एक तरफ की 7 से 8 हज़ार में मिल जाएगी टिकट्स। और यार सस्ती फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वीगो का। वीगो एक ट्रैवल ऐप है, और ये ऐप 113 कंट्रीज में वर्क करती है। तो मान लो मुझे जैसे फ्लाइट चाहिए दिल्ली से लेकर थाईलैंड की, और मैं जा रहा हूँ 18 दिसंबर को, तो जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ सर्च फ्लाइट पर क्लिक, तो ये जो ऐप है आपको 100 से ज़्यादा फ्लाइट एंड होटल बुकिंग वेबसाइट्स को कंपेयर करके जो सस्ती, सबसे सस्ती डील होगी ना आपके लिए, वो निकाल के दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे सस्ती जो टिकट मिल रही है वो मुझे मिल रही है स्पाइस जेट की, सिर्फ 6,809 रुपये में यात्रा से। तो ये ऐप बेसिकली कंपेयर करती है जितने भी ऑनलाइन एजेंट है, जैसे कि यात्रा हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, या फिर जितनी भी वेबसाइट होगी जैसे कि एयर एशिया, स्पाइस जेट, तो उसमें से आपको जो सबसे सस्ता ऑफर मिल रहा होगा वो आपको टॉप पे दिखा देगा, ताकि आपके पैसे बच सके। और फ्लाइट के साथ साथ आप इसमें होटल एंड एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हो, जैसे कि चेक इन डेट डाल देता हूँ, चेकआउट डेट डाल देता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो सबसे जो बेस्ट डील होगी मेरे लिए वो निकल के आ गई है। तो फटाफट से यार डाउनलोड कर लो इस ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और वीगो वर्ल्ड की फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल मोबाइल साइट है, तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे बुकिंग कर रहे हो तो आपको डरने की बात नहीं, या फिर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप आसानी से जो है बुकिंग कर सकते हो अपनी, फटाफट से डाउनलोड मारो, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे रखा है। तो ये तो हो गई टिकट्स की बात, अब फटाफट से अपने पीसी पे ले जाता हूँ आपको और दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से कि कैसे पहले उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, और फिर उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपके साथ साथ मैं दिखाता रहूंगा। तो यार सबसे पहले आपको किसी एजेंट की वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया या थॉमस कुक हो गया, तो मेरे केस में मैं मेक माई ट्रिप से बुक कर रहा हूँ अपना वीजा, तो इसका लिंक जो है वो डायरेक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे इस तरह का पेज खुल जाएगा, यहाँ पर डेस्टिनेशन में भर दो आप सिंगापुर, डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट भर दो, जैसे मेरे केस में मैं जा रहा हूँ सिंगापुर 27 दिसंबर को और वापसी आऊंगा 30 दिसंबर, ट्रेवलर्स में भर दो एक के लिए चाहिए, दो के लिए चाहिए, और उसी के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पे ऑनलाइन, कुरियर डॉक्यूमेंट्स, तो ये मैं बता दूंगा आगे। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो 30 डेज स्टे मल्टीपल एंट्री वीजा आ गया है, जिसकी वैलिडिटी अराउंड 35 डेज की, और जो इसका प्राइस है वो है 2,190 रुपये पूरा। तो $30 एम्बेसी चार्ज करती है, बाकी जो बचे हुए पैसे है वो ये एजेंट चार्ज करते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट वीजा ऑनलाइन, और वीजा का प्रोसेसिंग टाइम भी है 7 से 10 दिन, तो जैसे मैं 18 को जा रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 8 को या फिर 7 को ही बुकिंग करनी पड़ेगी वीजा की, तब जाके मेरा पहले आएगा, मिल जाएगा पहले, लेकिन सेफ रहने के लिए आप अराउंड 10 दिन पहले बुक कर देना। तो अब करते हैं गेट वीजा ऑनलाइन पर क्लिक, इसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, सरनेम, एज और जेंडर फिल करना है, मतलब जो ट्रेवलर है जिसके लिए वीजा चाहिए उसका, उसके बाद कर देना कंफर्म पर क्लिक। इसके बाद आपको करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड, और डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज, तो कलर्ड में आप स्कैन करवा लेना अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी में किसी साइबर कैफे से, और जेपीजी या पीएनजी फाइल में यहाँ पर अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपके पास ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, वही नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट, और दो चार और कॉलम है, आसान आसान से काफी ईजी है। तो ये सब करने के बाद आपको करनी है पेमेंट। पेमेंट जैसे कि मैंने बताया 2190 रुपए है। काफी ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, पेपाल, सब ऑप्शन है। तो यार आज है नेक्स्ट डे यानी कि 3 दिसंबर। कल मैंने शाम को वीजा अप्लाई किया था और आज मेरे पास ईमेल आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, मेक माई ट्रिप वालों का। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है जो मुझे सबमिट करवाने हैं। वो कहाँ करवाने हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वही अपना पासपोर्ट है, एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर, तो ये चीज का ध्यान रखना। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है जिसमें आपको सिंगापुर का वीजा मिला हो तो वो भी आपको साथ में देना है। उसके अलावा आपको देनी है 3 रीसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिनकी डायमेंशन होनी चाहिए ये। तो आप सीधा शॉप पे जाओ और उन्हें कह दो कि सिंगापुर वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ खिंचवानी है, तो वो आपको खींच के दे देंगे यहाँ पर मैट फिनिश पेपर पे। तो मेरी पुरानी सारी फ़ोटोज़ ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं अभी जाके खिंचवा लाया, ये देखो इस तरह से। तो ऐसी फ़ोटो आपको मिलेगी, आप जाके सिंपल बोल देना कि सिंगापुर वीज़ा के लिए फ़ोटो लेनी है तो वो खींच के दे देंगे आपको। तो 3 ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए आपको। इसके अलावा आपको चाहिए एक कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर का जो फॉर्मेट है वो मेक माई ट्रिप वाले ही आपको ईमेल करते हैं इसी के साथ अटैच करके। तो उसमें आपको सिंपल अपना नाम वाम एडिट कर देना, अपना एड्रेस एडिट कर देना है, और आपको लिखना है कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो। जैसे कि मेरे केस में ना तो मैं जॉब करता हूँ ना मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ। स्टूडेंट भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने मेक माई ट्रिप वालों से फ़ोन करके पूछा, उनकी जो वीज़ा डिपार्टमेंट है उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख दो बस कवरिंग लेटर में कि आई एम अ यूट्यूबर और इतनी आपकी एनुअल इनकम है, मतलब यूट्यूब से मेरा एक साल का कितना आता है, वो मैंने लिख दिया। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, काश मिल जाए वीज़ा। अभी मुझे पता नहीं है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको देनी है वही अपनी एयर टिकट्स, राउंड ट्रिप होनी चाहिए आने जाने दोनों की। जैसे मेरी थाईलैंड की भी है तो थाईलैंड की भी मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मैं थाईलैंड से सिंगापुर जा रहा हूँ और सिंगापुर से बैक इंडिया आ रहा हूँ, तो ये देना है। इसके अलावा देना है वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपको मेक माई ट्रिप वाले ही इसी ईमेल में सेंड करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये नॉर्मल सा फॉर्म है, आपको बस अपनी डिटेल्स भरनी है इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कॉपी ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट वर्क प्रूफ, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, 3 मंथ की सैलरी स्लिप हो गई, आईडी कार्ड कॉपी हो गई, ये एनओसी हो गया। तो अगर आप जॉब करते हो ये सब, अगर आपका बिजनेस है तो आप आईटीआर भी दे सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैंने बताया ना दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस लक के भरोसे जा रहा हूँ मैं देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखे लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सेविंग अकाउंट की, जिसमें कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ज़रूरी है या नहीं, तो मैंने तो ट्रांसफ़र कर लिया आज ही अपने अकाउंट में। मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे इसलिए मैंने अपने भाई से ट्रांसफ़र करवा लिया अपने अकाउंट में 50,000। तो इसका भी मुझे थोड़ा सा डालमटोल लग रहा है कि कहीं वो ऐसा ना कहे कि काफ़ी टाइम से 50,000 पड़े होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने तो भाई आज ही ट्रांसफ़र करवाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे ले जाने हैं। हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फ़ोटो चिपका के ऊपर साइन भी करना है, मतलब फ़ोटो पे आधा साइन और आधा फॉर्म पे आना चाहिए साइन। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे जो यहाँ पर दिया हुआ है, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये एड्रेस दिया गया, यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे घर के ये पास है एड्रेस तो मैं सीधा जाके भी दे सकता हूँ। तो भाई मेरे तो घर के बहुत पास है, मैं खुद जाके दे आऊँगा कल। आज तो नहीं जा पाऊँगा, कल जाऊँगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में साइन करवाने हैं बैंक के और स्टैंप भी लगवाना है, तो वो काम मैं सुबह सुबह करूँगा और फिर 11-12 बजे तक मैं यहाँ पे ऑफिस में जमा करवाया आऊँगा। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है पूरा। तो यार आज नेक्स्ट डे है और मैं वीज़ा के लिए आ चुका हूँ मेक माई ट्रिप के ऑफिस में, और डॉक्यूमेंट्स दे दिए मैंने। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो सारी स्टोरी घर जाके सुनाता हूँ आपको। तो लो भैया, वापस आ गया हूँ मैं अपने स्टूडियो और बताता हूँ क्या सीन चला है पूरा वहाँ पर। तो देखो हुआ क्या, सुबह मैं उठा 10:30 बजे, जल्दी से गया मैं साइबर कैफ़े प्रिंट आउट निकलवाने अपने स्टेटमेंट का। उसके बाद वहाँ से गया मैं अपने बैंक उस स्टेटमेंट को स्टैम्प करवाने के लिए, स्टैम्प मतलब अटेस्ट करवाने के लिए। और वहाँ से निकलते निकलते मुझे हो गए थे 11:15, लेकिन जो वो मेक माई ट्रिप का ऑफिस है उसका टाइमिंग थी सुबह 9 से 12 बजे तक ही सिर्फ, और मेरे को यहाँ पे ही निकलते निकलते 11:15 हो चुके थे। तो मैंने भगाया फटाफट से एक्टिवा को, क्योंकि गुड़गांव में ही है वो साइबर सिटी में, तो वहाँ पर थोड़ा बिल्डिंग्स भी इतनी सारी है, मेरे को ढूंढने में टाइम लग गया। और मैं उनके ऑफिस में पहुँचा 12:15 यानी 12:15 पे, 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट करवा आया हूँ, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा पासपोर्ट वापस। तो देखते हैं वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीक ही बताऊँगा, अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। खैर
हेलो जी। तो आज है 10 दिसंबर और कल यानी कि 9 दिसंबर को मेरे पास एक ईमेल आता है 12 बजे, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो सिंगापुर वीज़ा है वो फाइनली अप्रूव हो चुका है, तो आप अपना डिस्पैच एड्रेस हमें भेज दो ताकि हम डॉक्यूमेंट्स भेज दें। तो मैंने उसी मेल के रिप्लाई में उनको लिख के भेजा कि मैं खुद मेक माई ट्रिप के ऑफिस से जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा, क्योंकि मेरे घर के काफ़ी पास है, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो आज दिसंबर है, 10 दिसंबर है, तो मैं ले आया हूँ फाइनली अपना पासपोर्ट और ये रहा वीज़ा। तो मलेशिया जैसे ही वीज़ा मिलता है, इसमें भी एक प्रिंट, मतलब कागज़ में प्रिंट निकाल के, मतलब यहाँ पर इस तरह का, तो दिख नहीं रहा होगा खैर कुछ भी अभी। तो फाइनली वीज़ा आ चुका है। दो चीज़ें सबसे मेन मेरे को आपको बतानी है। नंबर वन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना मैं कहीं जॉब करता हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है, मैंने ना कोई स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया। जब भी मेरा वीज़ा लग गया, मैंने सिर्फ कवरिंग लेटर में ये लिखा था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मंथ अपनी ईयरली इनकम लिख दी थी, चैनल का नाम लिख दिया था बस। इसके अलावा सिंगापुर एम्बेसी कहती है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये होना ज़रूरी है, तो वो मैंने उससे एक दिन पहले ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे। तो काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि काफ़ी महीने से पड़े होने चाहिए अकाउंट में, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी एक दिन पहले ही ट्रांसफ़र करवाया है। आप भी उसी वक्त करवा के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा वीज़ा लग चुका है फाइनली, जैसे कि आपको बता ही दिया। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें कोई स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं दिया मैंने अपने भाई का या किसी का, मेरा बिल्कुल आसानी से लग चुका है। काफ़ी ईजी है सिंगापुर का ये वीज़ा मिलना। और ये जो मुझे वीज़ा मिला है ना, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, लेकिन सिर्फ 10 जनवरी 2020 तक ही है, यानी कि 2 महीनों के लिए ही है लगभग सिर्फ। तो उसके बीच में मैं जा सकता हूँ सिंगापुर, मेरा तो एक ही बार जाना है, बार बार नहीं जाऊँगा मैं ऑब्वियसली। लेकिन मैंने सुना है कि पहले 2-2 साल के वीज़ा देती थी सिंगापुर एम्बेसी, लेकिन अब नहीं देती है। ठीक है यार, मेरा तो काम बन गया, बस मैं थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली मिल चुका। और अब अपनी जो ट्रिप है वो 18 से लेके 30 दिसंबर तक चलने वाली है। पहले मैं दिल्ली से जाऊंगा थाईलैंड, थाईलैंड में मैं 8-9 दिन रुकूंगा, और फिर वहां से जाऊंगा मैं सिंगापुर। तो ये वीडियो शायद से आप जब देख रहे होंगे, जब मैं ऑलरेडी थाईलैंड पहुंच चुका हूँगा। तो भैया सारी लाइव डिटेल्स के लिए मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो है वो हैंडल दे रखा है, इंस्टा का लिंक दे रखा है सॉरी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन ये पूरी सीरीज देखने वाला है। काफ़ी दिनों से मेरे को लोग कह रहे थे कि सिंगापुर का टूर बनाओ अच्छा सा कोई, तो भैया लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में बता देना, बाकी सब्सक्राइब मार ही लो चैनल को आने वाली वीडियोस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो भैया फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको सीधा फर्स्ट वीडियो मिलेगी मेरी थोड़े दिन के बाद, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो अगर एडिट हो पाई तो वहीं से डाल दूंगा, वरना इंडिया आके डालूंगा। तो लाइव देखने के लिए वही मैं बता रहा हूँ ना, इंस्टा पे आ जाओ। बाकी चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।